उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी जमीन पर मिलने वाले खनिजों का मालिकाना हक उस जमीन के मालिक का है, ना कि सरकार। देश में 163 साल पुरानी तार सेवा हुई बंद, अपने परिजनों और मित्रों को यादगार संदेश भेजने के लिए इसके अंतिम दिन लोगों को तार भेजने वाले कार्यालयों पर रही उनकी भारी भीड़। कुलंकुलम परमाणु बिजली संयंत्र ने अगस्त के अंत से पहले बिजली उत्पादन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। बिजली घर की पहली इकाई में परमाणु रिएक्टर की बहुप्रतीक्षित विखंडन प्रक्रिया शुरू होने से बिजली उत्पादन जल्द शुरू होने की है उम्मीद। और खेलों में नॉटिंघम क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 14 रन से हराया। विशेष श्रृंखला मासिक की बढ़त। इस बढ़त के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। तेल कंपनियों को पेट्रोलियम पदार्थों की खुदरा बिक्री पर भारी घाटा उठाना पड़ रहा था और रुपए की कमजोरी के चलते उन पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनिजों के संबंध में वालिदारा को भूमि मालिक का होकर ना कि सरकार का। 3 जजों की पीठ के मुख्य न्यायाधीश RM वर्मा ने कहा है कि देश का कानून कहीं भी यह नहीं बताता है कि भूमि या खनिज संपदा का मालिकाना हक राज्य का है। जमीन के नीचे प्राकृतिक संपदा के संबंधित बहुत सी धाराओं पर न्यायाधीशों की इस पीठ ने कहा है कि कानून कहीं भी ये नहीं कहता है कि संपत्ति राज्य का अधिकार है। कोर्ट ने यह आदेश केरल के कुछ भूमि मालिकों के द्वारा दायर उस याचिका पर दिया है जिसमें उच्च न्यायालय ने यह फैसला राज्य सरकार के हक में दिया था। भारत के दूर दराज के इलाकों को 163 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को टेलीग्राम से जोड़कर रखने वाली सेवा टेलीग्राम को हमेशा के लिए बंद हो गई है। टेलीग्राम सेवा का संचालन करने वाली कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने बताया है कि टेलीग्राम प्रणाली के जरिए आखिरी तार सोमवार 15 जुलाई तक पहुंचाए जाएंगे। तमिलनाडु के कुलंकुलम में 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई देश की 21वीं परमाणु ऊर्जा परियोजना के पहले परमाणु रिएक्टर में परिचालन निर्बाध गति से जारी है। इसके सभी मापदंड सामान्य हैं। पहले परमाणु रिएक्टर में परिचालन शनिवार की रात ही शुरू हुआ था। परियोजना के निदेशक RS सुंदर ने बताया है कि यह संयंत्र 1 महीने में पूरा उत्पादन शुरू कर देगा।